नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा समय था तो सोचा कि आपके लिए एक ज़रूरी बात हम बता दें। ये पूरा एलईडी एलसीडी का कॉन्सेप्ट है जो हमने आपके लिए तैयार करके रखा है, और इसकी तैयार करने की वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। तैयार करने की वजह ये है कि हमारा एलईडी में कोई सा भी बोर्ड लगा हो और कोई सा भी स्केलर लगा हो, जिस तरह हम आपको ये बता रहे हैं कि स्केलर एक ये भी होता है, इसको त्रिकोण बोलते हैं, एक स्केलर ये भी होता है, एक स्केलर ये भी होता है, यानी स्केलर कोई सा भी हो और बोर्ड कोई सा भी हो, ये बोर्ड हो, ये जो देख रहे हैं ये बोर्ड हो या ये बोर्ड, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम आपको जो ज़रूरी वोल्टेज होते हैं, जो एलईडी एलसीडी में जो ज़रूरी वोल्ट होते हैं, उन्हें हम कैसे चेक करें। तो सबसे पहले जैसे ही ग्राहक आपके पास आता है, सबसे पहले तो आप उसको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें और उसको स्थान दें बैठने का। वो जब आप काम कर रहे हों उस समय वह व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वह खड़ा है तो वह चलेगा भी और आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी देखेगा वो, और ये देखने की कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति को एलईडी एलसीडी का काम आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले स्थान दीजिए। स्थान देने के बाद फिर आप उस सेट को बढ़िया ऊपर से साफ़ सफाई कीजिए और उसको इत्मीनान से खोलिए। खोलने के बाद एक दो जगह वोल्टेज नापने के बाद, चेक करने के बाद, जहाँ आप जानते हों वहाँ वोल्टेज चेक करने के बाद, आप उस ग्राहक को समझा बुझा कर और ये कहिए उसको, इतना बड़ा उसमें काम बताइए कि वो चला जाए और आप पे विश्वास करने लग जाए। अगर वो चला गया तो आपका काम बन गया, अगर वो बैठा है तो आपका काम नहीं बन पाएगा। 1-2% बन जाता होगा वो एक अलग बात रहेगी, क्योंकि मुझे, मैं अपना अनुभव शेयर आज आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये पूछेगा अगर आपने उसी चेक करने के बाद बिल दे दिया तो वो ये पूछेगा क्या डालोगे और इसमें आप डालोगे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या दोगे उसके हाथ में, क्यों आदत पड़ रही है उसको एलईडी एलसीडी के काम की, इसलिए आप क्या देंगे उसको। इसलिए उसको आप विश्वास दीजिए और उससे कहिए कि सर इसकी आईसी यहाँ नहीं मिलेगी, मैं अवेलेबल करवाता हूँ, या इसका सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, या इसकी चिप नहीं मिलेगी, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। तो ग्राहक को आपने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद आप टीवी को अच्छी तरह से खोलिए और खोलने के बाद सबसे पहले आप उसको इत्मीनान से उसकी सफाई कीजिए। और सफाई काय की होगी, ये मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये स्केलर पीसी देख रहे हैं, इसके अलावा टीवी में कुछ होता ही नहीं। जो चालू की पोजीशन होती है वो ये हमारा मदरबोर्ड होता है, स्केलर पीसी भी होती है, इसको इत्मीनान से साफ कीजिए, केबल को साफ कीजिए, एलबीडीएस केबल को साफ कीजिए, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ करने के बाद फिर आप उसमें एसी लगाइए और एसी से उसको चेक कीजिए। अब सबसे पहले आपको 220 वोल्ट एसी देखेंगे, आप इन हो रही है 220 वोल्ट एसी, जब उसमें इन हो रही है तो फिर क्या देखेंगे आप कि इसका फ्यूज़ तो बर्न नहीं है, फ्यूज़ सही है, तो आप कंडेंसर पर चेक करेंगे। जब कंडेंसर चेक करेंगे 300 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप अब क्या करेंगे, ये जो डायोड होता है उस पर हमें 12 वोल्ट चेक करेंगे, यानी ये सप्लाई की हमारी चेकिंग हुई। अगर ये सप्लाई नहीं बनती है तो 12 वोल्ट यहाँ देकर या इस कैपेसिटर पर देकर या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देकर आप पूरे मदरबोर्ड की चेकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सप्लाई की चेकिंग हुई और 12 वोल्ट इसमें इन हुए, अब हमको 12 वोल्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हम जो इसका कनेक्टर होता है वहाँ चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट हमें देखने को यहाँ
मिल रहे हैं। अब इसके बाद 12 वोल्ट के बाद हम दूसरा वोल्ट जो हमारा ज़रूरी वोल्ट होता है वो होता है हमारा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद ज़रूरी वोल्ट होता है हमारा 3.3 वोल्ट, तो ये 3.3 वोल्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी पर पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट हैं कि नहीं, तो पिन नंबर 8 पर भी 3.3 वोल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब जो कोर वोल्ट होता है 1.2 वोल्ट वो चेक करेंगे, यानी 1.2 वोल्ट हमको देखने को मिल रहा है, 1.199 यानी 1.2 वोल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद चेक करेंगे 1.8 वोल्ट, तो 1.8 वोल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर ऐसा है कि हमें यहाँ 12 वोल्ट तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन हमें यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिल रहे, तो यहाँ हम बक कन्वर्टर लगा कर 5 वोल्ट देंगे, और 5 वोल्ट जब देंगे हम यहाँ तो हमारे 3.3 भी आ जाएंगे, और 3.3 जब आ जाएंगे तो यहाँ 1.2 वोल्ट आ जाएंगे और 1.8 वोल्ट आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब हमें आज धूल ज़्यादा है इसलिए श्वास थोड़ा ठीक नहीं है, तो हमें 12 वोल्ट चेक कर लिए, 5 वोल्ट चेक कर लिए, 5 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो बक कन्वर्टर लगाएं, 5 मिल रहे हैं, 5 वोल्ट मिल रहे हैं तो 3.3 नहीं मिलते तो बक कन्वर्टर लगाएं, 3.3 नहीं मिल जाते हैं तो 1.2 के लिए हम बक कन्वर्टर लगाएं, और 1.2 जब मिल रहे हैं तो 1.8 के लिए भी हम बक कन्वर्टर लगा सकते हैं। यानी वोल्टेज पैदा करना है हमें, ये 4 प्रकार के वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट सभी मदरबोर्डों की ज़रूरत होती है। जब ये वोल्ट हमको मिल जाते हैं तो स्टैंड बाई से जैसे ही हम सेट को निकालते हैं तो सबसे पहले हमें बीसीसी पर चेक करना होगी कि बीसीसी पर हमारे कितने वोल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो बीसीसी पर हमको देखने को मिलेंगे, देखिए दोस्तों ये 11.78 वोल्ट हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे 12 वोल्ट मिल रहे थे हमको। देखिए एक डायोड के थ्रू कहीं तार उल्टे ना लग जाएं, इसलिए डायोड लग रहा है यहाँ, हमें डायोड के थ्रू देखिए 12 वोल्ट निकले और आउटपुट में हमें कितने मिलेंगे 11 पॉइंट, और डायोड का नियम है 0.7 वोल्ट कम करता है, तो इसलिए हमें इसको 12 वोल्ट ही कहेंगे। और सारे वोल्ट हमने चेक करने के बाद जब हम ये बीसीसी चेक करेंगे हमारा, तो हमको क्या मिलेगा बीसीसी पर देखने को, ये बीसीसी हमारा चालू हुआ। जब हमारा पैनल बीसीसी मिला तो हम यह फ्यूज पर चेक करेंगे, जब हम यहाँ फ्यूज पर बीसीसी चेक करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, आगे चलेंगे जब इस कॉइल पर हमें यहाँ 12 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट देखने को, अब कॉइल के बाद ये डायोड होता है हमने आपको पढ़ाया है, और यहाँ स्विचिंग होती है तो डायोड के आउट में हमें यहाँ ABDD वोल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये 15 वोल्ट देखने को आपको ABDD मिल जाते हैं। ABDD के बाद VGH वोल्ट हमको चेक करेंगे तो ये VGH वोल्ट हमको देखने को मिल गए। अगर हमारा नहीं लिख रहा है किसी भी पैनल पर तो जो कॉइल होती है उसके बाद जो डायोड का एनोड होता है वहाँ तो स्विचिंग होती है, और जो कैथोड होता है वहाँ आप चेक करेंगे, ये हमको 15 वोल्ट मिल गए। अब ये पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट नहीं दिखेंगे तो हम कहाँ चेक करेंगे, देखिए 28 वोल्ट हमें यहाँ डायोड पर मिल रहे हैं, डायोड पर चेक करिए ना आप तो, और माइनस वोल्ट हमको कहाँ 6 वोल्ट, ये एक डायोड लगा होता है, जहाँ दो डायोड एक साथ लगे होते हैं वहाँ हमारा VGH होता है, और जहाँ एक सिंगल डायोड होता है वहाँ हमारा VGL होता है। अब इसके बाद हम 3.3 वोल्ट देखेंगे, ये 3.3 वोल्ट देख रहे हैं, इधर हम प्रोसेसर के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये 3.3 वोल्ट हम देख लेंगे। यानी हमको सारे वोल्ट देखने को मिल गए, VCC मिल गया, ABDD मिल गया, VGH मिल गया, VGL मिल गया, गामा करप्शन और देखते हैं हम कि गामा के वोल्ट कितने मिलते हैं हमको। देखिए ये यहाँ हमको 14 वोल्ट देखने को मिल रहा है, यानी इनपुट वोल्ट जो हमारा ABDD है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हमको यहाँ मिले थे हमको 14.65 वोल्ट, तो यहाँ कितने मिल रहे हैं हमें 14.15 वोल्ट मिल रहे हैं घटते क्रम में, यहाँ कितने मिल रहे हैं 11.48, यहाँ कितने मिल रहे हैं हमको 10.25,
या कितने मिल रहे हैं हमको 9.56, या कितने मिल रहे हैं हमको 7.75, या कितने मिल रहे हैं हमको 7.43, और या कितने मिल रहे हैं हमको 6. यानी घटते क्रम में हमें और बढ़ते क्रम में गामा के बोल्ट हमको मिलेंगे। एक बोल्ट और रह गया, कौन सा वाला? वीकॉम बोल्ट। ये वीकॉम बोल्ट होगा, ये मात्र हमको बोल्ट चेक करना है, इसके बाद हमारा डिस्प्ले क्लियर ही होगा। अगर कोई कॉफ वगैरह बर्न नहीं हुई है, जली हुई नहीं है, अगर ये बोल्ट नहीं आते हैं तो इनमें हम बक या बूस्ट कन्वर्टर लगाकर उनमें चेक कर सकते हैं, या आप इस टाइप की स्केलर पीसीबी से भी इसमें 12 वोल्ट दीजिए यहाँ और यहाँ वोल्ट चेक करके आप इसका इसमें एक बीसीसी उठाइए, यहाँ से बीसीसी यहाँ दीजिए, यहाँ देने के बाद इसमें वोल्ट बन जाएंगे। आप अगर इसमें वीजीएच नहीं बन रहा तो उठा के वीजीएच दे दीजिए, वीजीएल नहीं बन रहा वीजीएच दे दीजिए, वीकॉम नहीं बन रहा वीकॉम दे दीजिए, यानी ये वोल्ट है सारे, तो आपका काम बन जाएगा। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। अब ये वोल्ट तो हम चालू कर लेंगे मदरबोर्ड के, दूसरा भी लगा के देख लेंगे। ये वोल्ट अगर आपके नहीं बने तो क्या करेंगे और डिस्प्ले पर क्या प्रॉब्लम आएगी? उसके लिए हम ये जो 15 वोल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 15 वोल्टों का और सिग्नलों का विवरण हम अगली क्लास में आपको देंगे कि अगर आपका AVDD नहीं बनेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, VCC नहीं आए मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, VGH नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और आपका VGL नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका VCOM नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपके गामा करप्शन नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और जो हमारे 3 सिग्नल होते हैं OE, CVB और STB, अगर ये नहीं बने तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें अब इन प्रॉब्लम के लिए एक एक बोल्ट के विषय में हमें जानकारी क्लास में ही मिलेगी। हम अगली क्लास में आपको ये बोल्टों की जानकारी देंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो था हमारा कि मदरबोर्ड से लेकर और पूरे स्केलर पीसीबी के वोल्टेज किस तरह ट्रेस किए जाते हैं, इसका ब्यौरा हमें आपको बताना थी, ताकि आप उस बात के लिए कभी भी ना परेशान हों ना घबराएं कि हम क्या करेंगे, किस तरह नापें, किस तरह काम करें। तो इस तरह दोस्तों